हर क्यूजीन की शुरुआत उसके इंग्रेडिएंट से होती है और दंपुक की शाही परंपराओं की बुनियाद भी उसके खास मसालों में टिकी है। इसीलिए आज हम पुरानी दिल्ली के मसाला बाजार खाड़ी बावे आए हैं। आदाब, मेरा नाम गुलाम मोनुद्दीन कुरैशी है। मैं पिछले 30-35 साल से दंपुक में काम कर रहा हूँ। मैं आज आपको एक दंपुक की जो डिश है वो बना के दिखा रहा हूँ। उस डिश के बारे में चचा गालिब ने एक शेर कहा था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बेखुदी बेसबब नि गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो मैं आपको आप हबीब चाप से पर्दा हटा के आपको बना के दिखाता हूँ। 3 पीस की 1 पीस बनती है, ये देखिए। सारे मसाले जो हैं खारी बावली से खरीद के लाते हैं दंपुक में, और जो फाइनेस्ट क्वालिटी के मसाले होते हैं उससे हम चाप मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करके 1 घंटा रख दीजिए। देखिए तवे में मैं डाल रहा हूँ आपके सामने जरा से। अब मैं इसमें चाप ग्रिल करूँगा। पहले ये चाप ग्रिल होगी, उसके बाद ये माई तवे में दम होगी। फाइनल स्टेज है इसकी, दम पे लगा रहा हूँ। ये स्लो कुजीन में दम होगा। जरा से ऑलिव ऑयल डाला मैंने इसमें, और जरा से पानी इसलिए कि मतलब ये स्टीम बनाएगा पानी गलाने के लिए। ये देखिए चाप इसमें लगा दूंगा मैं। अब मैं इसको आटा लगा के सील कर दूंगा। देखिए इसके ऊपर दम करने के लिए चारकोल डाल रहा हूँ मैं, बस इतना कोयला काफी है। ये अपने आप ही स्टीम बना देगा कोयला। बड़ा जूसी और बहुत ही टेस्टी होगा ये। Where dam means to breathe, pukht is to cook. Mukh chandi dikam. At Dampuk, we've redefined the art of wine pairing to complement the grand cuisine of India. And one of my personal favorites is a Sauvignon Blanc from New Zealand, which I believe was made to be served with Jinga Dam Nisha, one of the signature appetizers at Dampuk. Adab, mummy ne khana bahut acha laga. Bahut hi badhiya, maza aa gaya. It was spectacular.